नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ ये पुराने दो रेडियो। ये नेशनल एको मेड इन इंडिया बॉम्बे का है, ये फिलिप्स का है। ये दोनों वॉल्व बेस्ड हैं, सॉलिड स्टेट नहीं है, इनमें वॉल्व लगे हुए हैं। इसके सारे वॉल्व अंदर हैं, इसमें वॉल्व नहीं है। दोनों को रिपेयर कराना पड़ेगा, रनिंग कंडीशन में कोई नहीं है। इसमें माइनर रिपेयरिंग चाहिए क्योंकि इसके अंदर सिर्फ तारों के कनेक्शन हटे हुए हैं। इसके अंदर वॉल्व लगाने पड़ेंगे, इसमें वॉल्व नहीं है। बाकी सारे मशीनरी इसके अंदर लगी हुई है, जो भी होती है, वायर भी हैं प्रॉपर तरीके से, सारा वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह, नॉब्स, ये सारे फंक्शन इसके काम कर रहे हैं। इसमें भी ये सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। अब बहुत से शौकीन ऐसे हैं जो इनको आज भी लेते हैं और ठीक करवा के सुनते हैं, क्योंकि आज भी वॉल्व ट्यूब, जिसे हम कहते हैं वॉल्व कहते हैं, वॉल्व बेस्ड सर्किट आज भी सॉलिड स्टेट से ज़्यादा स्वीट आवाज़ देता है। वॉल्व बेस्ड एम्पलीफायर जो पुराने हैं, सन 60 के, सन 65 के, वो आज की डेट में भी बहुत कॉस्टली बिकते हैं। अगर कोई सज्जन इनको ख़रीदना चाहता है तो मैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर उनको ये दे दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है जब उसको ठीक कराएंगे तो उसमें उनका कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर होगा। अगर इनको ख़रीदने के बाद आपको इनको ठीक करने वाला नहीं मिलता है, तो उन ठीक करने वालों का एड्रेस भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ जाके आप इनको ठीक करा सकते हैं या उनको भेज कर ठीक करा सकते हैं। इनको ख़रीदने के जो भी इच्छुक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे फ़ोन नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अंदर भी इसका ऑन ऑफ लगा हुआ है, काम करता है। ये बैंड चेंजर है, काम कर रहा है मीटर इसका, देख लीजिए। कोई अगर इच्छुक है तो वो ले सकता है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छी तरीके से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।